हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे स्टूडेंट्स, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको एक कार्ड वाला क्वेश्चन मिलता है। आई होप प्रीवियस सेशन में जो कार्ड वाला क्वेश्चन था उससे पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे। कार्ड से रिलेटेड हमने चीजें सीखी थी कि क्या क्या होता है इन कार्ड्स में, तो उस चीज को आप यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ और उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। बोला गया 5 कार्ड्स, यहाँ पे 5 कार्ड के बारे में बात हो रही है। कौन से? द 10th, क्या है 10? 10 क्या होता है सबको पता है, 10 ये हो गया। और क्या बोला गया है? और बोला गया है स्टूडेंट्स जैक, जैक यानी जे, क्वीन यानी क्यू, किंग यानी के, एंड एस यानी ए ऑफ डायमंड्स। वो भी हम रेड में ही लिख लेते हैं क्योंकि डायमंड रेड कलर का होता है। कैसा होता है डायमंड? ऐसी कुछ शेप होती है, इसको हिंदी में ईंट भी बोलते हैं। और वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है, मतलब हमने वो छुपा के और अच्छे से शफल कर लिया। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, उनमें से एक कार्ड हमने उठाया, उनका जो फेस है जिसपे नंबर ये चीजें दिखती हैं वो हमने नीचे की तरफ रखा हुआ, मतलब हम पता नहीं लगा सकते देख के ऐसे कि कौन सा कार्ड कौन सा है। तो उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? तो जो हम उन 5 में से कोई एक कार्ड उठाएंगे रैंडमली, और फिर आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो कार्ड हमने उठाया वो एक क्वीन होगी। दूसरा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, टोटल कितने कार्ड्स हैं अभी, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई जो आपका कार्ड आया है क्वीन का, मान लीजिए कि एक कार्ड उठाया वो आ गया क्वीन, ठीक है, क्वीन आ गया, इसको उठा के आपने साइड रख, यहां से क्वीन हट गया। अब बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दूसरा कार्ड हमने उठाया वो एक एस है यानी ए है। तो यहां पे जब हम दूसरा कार्ड उठा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि भाई दूसरा कार्ड उठाते टाइम टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4। पांचवा कार्ड तो साइड में रख दिया हमने। अब बी इसमें ये पूछा गया है कि अगर हमने एक क्वीन उठा के साइड में रख दी तो दूसरा कार्ड भी क्वीन होगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर आता है आपका? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं पहले तो ये बताइए मुझे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है यहां पे 5, 5 हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स।
एंड पूछा क्या गया फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, तो नंबर ऑफ क्वीन इन द कार्ड्स, क्वीन कितनी है, एक है क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, कितनी है फेवरेबल आउटकम्स, वन, क्योंकि क्वीन तो एक ही है और टोटल कार्ड्स फाइव है, तो 1/5 आपका आंसर आ जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है यहां पे। अब देखिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स थे 5, एक क्वीन हमने निकाल ली है। अब बताइए कि जैसे क्वीन निकाल ली तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बच गए, एज क्वीन इज ड्रॉन नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एस कितने हैं, 1 है, देख सकते हैं यहां पे एस पूछा गया आपसे, है ना, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस 1/4, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो फेवरेबल तो एस 1 है तो 1 ही होगा और टोटल 4 हो जाएगा। अब बी है एस क्वीन इज ड्रॉन तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फिर ये हो जाएगी 0/4, 4 कार्ड में से 0 क्वीन है तो 0/4 ही हो जाएगी। अब क्या करना है, इसका आंसर आ जाएगा 0, मतलब एक क्वीन आना तो इम्पॉसिबल है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, तो यहां पे 12 डिफेक्टिव पेन है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, तो 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेनों में वो मिक्स हो गए हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, तो ऐसे हम देखते ही पेन की तरफ देख के ऐसे नहीं बता सकते कि ये डिफेक्टिव है या ठीक है। वन पेन इज टेकन आउट एट रेंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस लॉट से एक पेन रैंडमली उठाया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन,
जो पेन हमने निकाला था वो अच्छा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपको इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं। आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स निकालने हैं, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो उसमें आपके गुड पेन भी हैं कितने 132 और खराब पेन भी हैं जो मिक्स हो गए थे एक्सीडेंटली 12, तो कितने हो जाएंगे ये 132 प्लस 12 हो गए 144। अब आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो यहां पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ गुड पेन्स, ये है 132। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, ये हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये कितनी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है स्टूडेंट्स 132 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 144। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप डायरेक्टली बात करें तो ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये 12 से हो रहा है, कितना 12 11 जा 132 एंड 12 12 जा 144, तो 11 बटे 12 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। सबने अगर इसको नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी की तरह है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप सब तो आप बता पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझने की जरूरत है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। तो 20 बल्ब का एक लॉट है और उसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, फॉल्ट है उनमें। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब 20 बल्ब के लॉट से हमने एक बल्ब रैंडमली निकाल लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो बल्ब है वो डिफेक्टिव होगा, पहला पार्ट तो ये है। दूसरा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज
नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। तो जो हमने पहले पार्ट में बल्ब निकाला था पीस में से एक, वो मान लो कि डिफेक्टिव नहीं, सही बल्ब निकला था। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब वो बल्ब निकाल के हमने साइड में रख दिया, उसमें वापस से बल्ब कोई डाला नहीं है लोट में। नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रेंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जो बाकी बचा हुआ लोट, कितने का लोट बच गया, 20 में से एक बल्ब निकाल लिया, 19 का लोट बच गया, और जो एक निकला था वो डिफेक्टिव नहीं था, ठीक बल्ब निकला है। तो अब 19 में से एक बल्ब निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉल्व कीजिए जल्दी से, आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अब तक आपका सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, ये सवाल है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं बताइए, 20 हैं। अच्छा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव, फेवरेबल केसेस तो चाहिए हमें, इसीलिए ये निकालना जरूरी है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस कितने थे, 4, टोटल थे 20, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो 1/5 पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पे बल्ब निकलेगा वो डिफेक्टिव होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया। अब देखिए अगला जो पार्ट है ध्यान से करना पड़ेगा। सपोज द बल्ब ड्रोन इज नॉट डिफेक्टिव, हालांकि यहां हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, लेकिन जरूरी थोड़ी यही निकले, ये तो प्रोबेबिलिटी आई है। जब असलियत में हमने बल्ब निकाला तो वो क्या आ गया, बल्ब नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं ठीक वाला बल्ब आया, और उसको निकाल के रिप्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने रह जाएंगे एक निकालने के बाद, अब रह जाएंगे 19 बल्ब्स, और टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने रह जाएंगे, पहले कितने थे भाई, 20 बल्ब थे जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो ठीक कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब टोटल है 16, और उसमें से एक हमने यहाँ पे निकाल लिया नॉन डिफेक्टिव बल्ब, अब कितने रह गए, अब रह गए 15। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब लेफ्ट 19, क्योंकि एक बल्ब हमने निकाल दिया, और नंबर ऑफ ऑन
रिफ्रैक्टिव बल्ब्स लेफ्ट, ये कितना बच जाएगा, 16 बल्ब थे, इसमें से एक हमने हटा दिया तो 15 बच गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन रिफ्रैक्टिव बल्ब कितना आ जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और फेवरेबल केसेस न्यूमरेटर में, तो 15/19 आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हमने, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने नोट डाउन भी किया होगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।